इन दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट है आज मैं इसी चीज को टेस्ट करने वाला हूँ। वाटर के कलर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और स्केच कलर के लिए मेरी वीडियो को लाइक। एक ड्राइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ स्केच कलर और दूसरी तरफ वाटर के कलर लिख लेता हूँ और सोचने लगता हूँ क्या बनूं। जब भी मेरे माइंड में आता है क्यों ना आज उस चीज को बनाया जो हमें बारिश से बचाता। अब तक तो आप लोग को पता लग गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ और आपकी सिटी में कैसी बारिश होती है वो भी कमेंट में बताओ। और देखते देखते ड्रॉ हो चुके थे, अब बारी थी इनमें कलर करने की। सबसे पहले मैं करने वाला हूँ स्केच कलर से इसमें कलर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि स्केच कलर मुझे इतना खास पसंद नहीं, वो सिर्फ मुझे आउटलाइन करने के लिए पसंद है। पर आपको ये कलर अच्छे लगते हैं या नहीं मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो स्केच कलर तो हो चुके थे, अब आ रही थी वाटर केक कलर की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वाटर केक कलर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा अच्छे से मर्ज हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा स्मूथ चलते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के आते हैं। अब बारी थी इनमें आउटलाइन करने की, जो सबसे ज्यादा टफ काम है मेरे लिए क्योंकि आउटलाइन करने में मुझसे बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा आराम से बहुत ज्यादा ध्यान से करी और देखते देखते पूरी हो चुकी है। इन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट में बताओ।